Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel one time again. If you don't know me, my name is Najaf, and welcome to my channel. If you're new here, so please subscribe to the channel and also turn on that notification bell as well, so you can get notified whenever I upload a brand new video. As you can see, I've got some acne over here from one of the products, not this brand's products. a core uh, product. I test kar and I got the acne. Look at this. Hmm. जस्ट पुल अपर सीट बेल्ट बिकॉज मैं उस ब्रांड को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला बिकॉज उसने मेरे तो बड़ी बुरी तरीके से एक नहीं दी है उस प्रोडक्ट ने सो फाइनली वी रिव्यूंगदर पाकिस्तानी ब्रांड एंड टूडे वी हैव स्किन आज वन स्किन ब्रांड को रिव्यू करने वाले हैं सो बेसिकली आई हैव फोर ऑफ देयर सीरम लेट मी शो यूर रियल क्विक विच फोर सीरम्स आई एम रिव्यूंग टे फो यू गाइज सो दीज आर दीरम्स देर आर वेरी ब्यूटिफुल लाइक द पैकेजिंग इन कलर द पैकेजिंग इज़ वेरी गुड

Give us the honest review how you feel about the product. So, I really appreciate that, especially when a Pakistani brand is saying that, you know. So, we are uh, reviewing all of these four serums. So, first of all, let's start with this serum right there. This one is called One Skin Moisture Magnet Serum. This is how the packaging looks like. Packaging is really, really, really good for the Pakistani brand. The packaging is fire. This is how the सीरम इट इट कंटेन्स थर्टी एमर ऑफ द प्रोडक्ट द प्राइज आर रियली अफोर्डेबल आई थिंक सारे सीरम पंद्रह सौ से नीचे तक ही हैं विच इज़ रियली गुड लाइक आई रियली अप्रिशिएट दैट कि प्राइजेज इनकी काफ़ी अफोर्डेबल है आई कैन सी द पैकेजिंग इज़ रियली गुड इज़ वेल सो लेट्स रिव्यू द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ दिस स्पेसिफिक सीरम सो अगर हम इस सीरम के इन्ग्रडियंट्स की बात करें इस सीरम के इंग्रीडियंस में हम लोग को 4% परसेंट हाइलोनिक मिल रहा है इसी के साथ साथ इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इन्होंने मेन एज ए हाई लाइट लिखा हुआ है बाकी की इंग्रीडियंट लिस्ट में देखिए तो इसमें अगलेट्रीन है गुड फॉर हाइड्रेशन पर्पजेज ठीक है आब्युटेन है एल्फाबुटेन विच इज़ वेरी गुड थोड़ा सा टॉप एज वेल तो इट्स अ गुड थिंग ओके वी आर गेटिंग सम यू नो ब्राइटिंग एज वेल सो वीवुटेन एज वेल देन वी हैवे इन्ग्रीडियंट कॉल्ड लेसिथिन लेन इज अ टाइप ऑफ इनग्रीडियं और साथ ही साथ आई बिलीफायर एज वेल मीनिंग की ऑयल और वाटर वाले जो इन्ग्रीडियंट होते हैं उनको अच्छे से मिक्स होने में हेल्प करता है विच इज अ गुड एंड इट इज रियली हाइड्रेटिंग एट द सेम टाइम एज वेल एंडलोनिकन वीवलिकॉर्म ऑफ वाइटामिन सी देन इसमें वाइटामिन ई है और इसके साथ एसक्रोबाइल पार्मीटेट है ब्लूटाथ है विच इज ऑल्सो रियली गुड फॉर ब्राइटिंग पर्पजेज ना है रियली गुड इज वेल एंड दैन इट ऑल्सो हैज एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ओके इन ग्रीन लिस्ट में यहाँ पे एट द हाईलाइट इन ग्रीन था लेकिन इस इन ग्रीन लिस्ट में इट्स नॉट एट वेरी हाई तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज कम है एलोवेरा की और नायसनामायर लूटा था ऑन और इन इंग्रीडियंट्स की परसेंटेज ज्यादा है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से एंड दैन इट हैज ऑल्सो हैज फ्रेग्रेंस एंड मिथाइल पैराबिन एज वेल ओके सो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्र ऑफ दिस सीरम लेट मी शो द टेक्सचर It's Like this gel type of a texture, I really like It's not extremely watery, it's not super jelly. It's like perfect um, texture for a serum, in my opinion. It's really good as well, and it absorbs really nicely. Sticky feel here. This is serum ski Now, what I feel like this is more than a hyaluronic acid serum, in my opinion. Like, um, if I don't uh, see it as like a completely hyaluronic acid serum, I think it's more than a hyaluronic acid serum.

So I think it's a really good serum for the people who have dry skin and they're looking for a bit of a brightening serum, not extremely brightening serum, but they're looking for a hydrating, yet a bit of a brightening effect as well. I think it's a really good option for them. So yes, this was our moisture magnet. Achha, se use kar Next, uh, let's review this serum over there, uh, which I am using right now as well. This is the one-skin Acid serum. This is how the packaging looks like. Really love the purple and the golden combination. एंड दिस इज हाउ दीरम लुक लाइक्स ओके तो पैकेजिंग सबकी सेम है ओके इसमें इग्रीडेंट्स में हाईलाइट इन्ग्रीडियंट्स में आप लोगों को लिखा हुआ है एजेलिक एसिड वन परसेंट जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑफ सैल्सलिक एसिड एंड पपाया एक्स्ट्रैक्ट सो ना लेट्स टाइव इन टू द इग्रीडेंट लिस्ट ऑफ दिस सीरम इस सीरम में आप लोगों की स्टार्टिंग की इंग्रीडियंट में आप लोगों को ग्लिसरीन मिल रहा है विच इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन परपजेज नायासेमाइड वी ऑल नो पोर्स को हेल्प करता है पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है आबुटेन है एंडसो एजेलिकसिड विच इज वन परसेंटेज ठीक है तो इसका मतलब नायासेनाइड की परसेंटेज एजेलिकसिड से ज्यादा यूज हुई हुई है बिकॉज इट्स लिस्टेड बिफोर द एजैलिक एसिड राइट एंड सेंस होती है इन्ग्रीडियंट लिखने की वो यही होती है जो ज्यादा परसेंटेज में यूज हुए होते हैं उनको पहले लिखा जाता है ठीक है एंड देन वी हैव लेंस सीड एक्सट्रैक्ट आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन एंड वी है And then we also has uh, what uh, glutathione in it. वेरी गुड फॉर बाइटिंग पर्पजेज एज वेल देन सीरम में अगर मैं इंग्रेडिएंट्स में देखूँ आप लोगों को इसमें एस्क्रोबाइल पाल्मिटेटेट मिल रहा है एस्क्रोबाइल पालमिटेट इज अ फॉर्म ऑफ वाइटामिन सी लेकिन ये ऐसी फॉर्म है कि विच इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइटामिन सी की फॉर्म मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं है कंपेयर टू रेगुलर वाइटामिन सी की फॉर्म क्योंकि इसकी जो पी एच लेवल होती है वो भी काफ़ी बैलेंसड होती है लाइक सिक्स होती है नॉर्मल वाइटामिन सी की थोड़ी सी कम होती है इससे लाइक थ्री थ्री पॉइंट फाइव तक होती है सो इट्स रियली इजियर टू फॉमुलेट विद सच इनग्रीडियंट्स लाइक तो ट हो जाता है और एसक्रोबाइल सिर्फ इसलिए इस, इस एस भी यूज हो सकता है फॉर्मूला को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए ठीक है और ताकि बाकी कुछ इंग्रीडियंट स्पेशली इट वर्क गुड विदिन माइनोबाउ सो येस इट डॉट जस्ट देव फॉर वायटामिन सीज इट्सो फॉर अदर इन्ग्रीडियंट एज वेल लाइक एज ए टोलटामिन के साथ अच्छा काम करता है और So yes, we have ascorbyl palmitate. Then we have glutathione. Glutathione is also really good for brightening purposes. Okay. Then what do we have? Then we have hyaluronic acid in it, sodium hyaluronate, and then we have salicylic acid in it, papaya extract, and fragrance. Okay. And one thing I do want to mention: these all serums are not fragrance-free. So if you are very fragrance allergic, uh, then uh, they might not be the best option for you. But iski the fragrance I wanted to point out. It's very light fragrance. It's not an extremely perfumey fragrance. और फ्रेगनेंस ऐसी कि आई डू लाइक दिस फ्रेगनेंस आई रियली विश दे केम आउट वि सच परफ्यूम इट्स सच अ गुड फ्रेग्रेंस प्लीज इफ़ यू आर वाचिंग दिस ट्राई मेकिंग अ परफ्यूम आउट ऑफ इट ओ माय गॉड स्मेल इज रियली गुड ओके ये वाला स्पेसिफिक सीरम मैं डेली यूज कर रहा हूँ अपनी स्किन के रूटीन में आई थिंक इट्स अ रियली गुड ऑप्शन अगर आप लोगों ने एसिड की ज्यादा परसेंट कभी यूज नहीं की बिकॉज आई एम सींग के लोग वो ट्वेंटी परसेंट की स्किन और क्रीम यूज कर रहे हैं एंड देर गेटिंग अ लॉट ऑफ इिटेशन सो आई रियली वॉन्ट टू इंक्लूड दिस सीरम फर्स्ट बिकॉज इट्स वन परसेंट एसिड इट्स रियली जेंटल यू कैन इंक्लूड दिस डेली इन टूअ स्किन की रूटीन इन माई ओपिनियन सो आप लोगों की स्किन को आदत हो जाएगी एजेलिक एसिड यूज करने की देन यू कैन मूव यू परसेंटेज आप थोड़ा थोड़ा करके एकदम से अगर आप इतनी ज्यादा परसेंटेज यूज करो टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट आपकी स्किन को इरीटेशन हो सकते हैं really um, अगर आप लोगी है, है उसमें भी काफी हेल्प कर सकता है सो ओवर फॉर दीपलिक वॉन्ट टू क्या कहते हैं रेडनेस को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं डार्क स्पॉट थोड़ा बहुत लाइट करना चाह रहे हैं इससे कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा डार्क स्पॉट्स परस्ट वन परसेंट बट इट्स स्टार्ट विद राइट सो आई रियली लाइक कि इनको ना मैंने ब्रांड में देखे लाइक like, अगर मैं इनकी वाइटामिन सी और बाकी ई वाइटामिन सी वाले की बात करूँ इट्स विद फाइव परसेंट सो इट आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब um, इस टाइप की सीरीज बनाया है कि यू नो देर इजी फॉर बिगनर फ्रेंडली जिन्होंने कभी इग्रीडियंट्स कभी यूज नहीं किए लेकिन इजिल यूज इज़ विदाउट एनी रिस्क ऑफ इरिटेशन बिकॉज इन फॉर्मूलाज में लाइक हायरोनिक एसिड भी है सो दे आर वेरी हाइड्रेटिंग इन्ग्रीडियंट इज़ वेल आई रियली डू लाइक दैट थिंक अबाउट दिस ब्रेंड सो ये सिल्म इज़ गुड और अगर आपको रेडनेस है एक्नी से भी रेडनेस है तो उससे भी आप लोगों को ये अच्छा हेल्प uh, कर सकता है अच्छा और इट्सलिक uh, एसिड ये एच भी नहीं होते बी एच ओ भी नहीं होतेड सही इट्सेंट वीट से भी फाउंड किया जाता है और बार्ले से भी फाउंड किया जाता है सो आई रियली डू लव एजैलिक एसिड स्पेशली फॉर द दिस वन इज कॉल सिरम आई टेन 10% जिंक ऑक्साइड एंड टी टी स्ट्रिक्स के साथ सीरम इनका टेन परसेंट ना सिनेमाइड सीरम है दिस इज द पैकिंग ग्रीन कलर की सेम पैकेजिंग है बट विद द ग्रीन पैकेजिंग ओके सोलट्स डाइवि इन्ग्रिस अगर हम बात करें इसमें आप लोगों को टेन परसेंट ना सीनामायड मिल रहा है एंड वन परसेंट जिंक ऑक्साइड और बाकी की इनग्रीडियन लिस्ट की बात करें इसमें आप लोगों को आर्बोटिन ग्लिस्ट्रीन सब सीरम्स में इनके इसमें सोडियम हाइलोनेट भी गुड थिंग आई लाइक दैट कि इन्होंने एड किया विच इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन एज वेल और बाकी की इसमें टी टी ऑइल है और वेरी सिंपल एंड बेसिक कुछ यूज़ यूजे में हर सीरम के यूज माई मदर इज यूजिंग दिस सीरम आई डिड नॉट यूज अपनी मदर पे टेस्ट किया काफ़ी सीरम एंड शी हाफ यूज इट लाइक हर स्किन इज अट ब्राइटन अप और उसकी पोर्स में बहुत लाइट सा डिफरेंस आया है ठीक है नाव आई वो रियली 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 लव की क्योंकि वन स्किन बैंड का मैं जो एक मोटिव देख रहा हूँ दे आर वेरी गुड फॉर बिगनर फ्रेंडली I would really love to see a 5% niacinamide serum, like the same concept but with 5% niacinamide. I would have loved that serum. I think I would have never would brand <laughs> You never know. <laughs> Some secrets. <laughs> but yes, I was saying I would really, really, really love if they come out with a 5% niacinamide serum. I would love, love, love that. Seriously. बिकॉज टेन परसेंट एक ऐसी परसेंटेज है जो हर किसी को सूट नहीं करती एट स्टार्ट सो आई वुड रियली लव टू सी ए फाइव परसेंट नया सिनेमाइट सीरम बट इफ यू ऑलरेडी यूजिंग अ टेन परसेंट नया सिनेमाइट सीरम इट्स अ ग्रेट ऑप्शन रियली अफोडेबल ऑप्शन अगर आप लोग ऑर्डनरी वाले यूज कर रहे इट सूट्स यू इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यूज एज वेल रियली गुड सिंपल एंड अच्छी ग्रीन लिस्ट इन माई ओपिनियन इट्स अफोर्डेलब एट द सेम टाइम इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड 10 on 10. This serum is a really good serum if you are using a 10% niacinamide. If you have never used niacinamide, then I would recommend to first go for the 5% and then go for the 10%. Right? So, yes, there is this serum. Next, we have there, this serum, which is a vitamin C serum. I have talked about this. I have been checking this serum. Ke mein. It has 5% ascorbic acid, alpha butane, and it has been very extract. अच्छा इसमें एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ हुआ हुआ है ठीक है अल्फा अल्फाबुटे है लेंस इन सी डिस्ट्रैक्ट है विटामिन ई है एंड एसक्रोबाइल पाल्मेटेड अगेन यूज हुआ है विच इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ विटामिन सी और बाकी के मैं देख रहा हूँ इनके जो तो इंग्रेडिएंट्स है दे आर वेरी लाइक सिमिलर इन ऑल ऑफ दिस सीरम जस्ट मेन इनके हाईलाइट इंग्रेडिएंट्स इन्ग्रीडियंस डिफरेंट है लाइक सोडियम हाईलाइट इनके सब सीरम्स में है विटामिन ई इनके सब सीरम्स में है आरबुटेन इनके सब सीरम्स में है लेंसीड सीड एक्सट्रैक्ट इनके सब सीरम में है सो येस देव लाइक दिस सेम कॉन्सेप्ट और जो प्रजर्टिव और यूज वो भी इनकी ऑलमोस्ट सेम ही इनकी, इनकी, इनकी लिस्ट में ना आई थिंक इट्स अ ग्रेट सीनम इफ़ यू हैव नाइटामिन सी इन यूर एवर ठीक है कभी भी आप लोगों ने वाइटामिन सी यूज़ नहीं किए सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन टू इंक्लूड और जो वाइटामिन सी किस में फॉर्म यूज हुए हुई है दैट इज एस एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ ऑल्सो स्टेबल फॉर्म ऑफ वाइटामिन सी और उसके साथ ना सीमाइड यू, हुआ है सो आई कैन सी दैट

अगर मैं बात करूँ इनमें से मेरा फेवरेट अभी तक कौन सा जा रहा है आई थिंक एजैली के वन मे बी अभी मैंने पूरा खत्म नहीं किया पूरा ख़त्म करके इनशाला ओवर भी रिजल्ट मैं शेयर करूंगा इसके कि किसी कि ने मुझे किस तरीके के प्रॉपर रिजल्ट किए वन आई विल फिनिश द बॉटल अभी मेरी टेस्टिंग में हूँ अब हाफ मैंने यूज़ कर लिया आई हेव गॉट द आइडिया हाउ द सीरम इज बट स्टिल मैं फुल फिनिश करके भी आप लोगों को रिव्यू इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा सो इफ़ यू हैव नॉट फॉलो मेर इंस्टाग्राम आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो लेट मी नो अगर इनके जो एक दो सीरम में रह गए हैं उनका भी रिव्यू चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियो में उनका भी रिव्यू बना दूंगा And let me know if you will be purchasing any of these serums. But yes, they are already very affordable. I think it's a great uh, brand. And I'm really, really, really excited to see what this brand comes up next with. So, yes, really excited for that as well. So, thank you so much for watching my review. Let me know which other products you want me to review next. Thank you so much for watching this video. Bye bye.